सो हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने इंटरनेट स्पीड को कैसे स्पीड करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको सेटिंग में जाना है और आपको सिम कार्ड एंड सेलुलर का ऑप्शन नीचे देख सकते हो। हो सकता है कि आपके फ़ोन में सिम कार्ड मैनेजर का भी ऑप्शन दिया हो सकता है, ठीक है, तो क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिम चूज कर लेना है, जो भी आपका जियो सिम है, सिम वन में लगा हुआ है, सिम टू में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ एक्सेस पॉइंट नेम मिल जाएगा, जो कि APN होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। तो इस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर में प्लस का आइकॉन देख सकते हो, या फिर आपका नीचे भी हो सकता था, ठीक है, हो सकता है। तो मैं यहाँ पर मेरा ऊपर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर में क्लिक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्म जो है देखने को मिल जाता है। तो ये फॉर्म हमको फिलअप करना है, तो पहले तो नेम आता है, तो नेम में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर आपको लिखना है जियो, जो कि जे कैपिटल होगा, ठीक है। उसके बाद लिखना है LTE, जो कि सारा कैपिटल होगा, LTE कैपिटल होगा। उसके बाद लिखना है एक स्पेस देके 800, जियो LTE स्पेस 800। उसके बाद आता है APN, APN में आपको लिखना है, APN में आपको लिखना है जियो, जो कि जे कैपिटल होगा, जियो और नेट N जो कि है कैपिटल होगा, जियो नेट। और उसके बाद सेव कर देना। उसके बाद आता है प्रोक्सी, प्रोक्सी को आपको नोट सेट रहने देना है। उसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट को भी नोट सेट रहने देना है। उसके बाद आता है यूज़र नेम, यूज़र नेम में आपको लिखना है, यहाँ पर यूज़र नेम में आपको लिखना है जियो और यहाँ पर आपको लिखना है 4G, जो कि जे कैपिटल होगा और जी जो लास्ट में 4G वो कैपिटल होगा। उसके बाद सेव कर देना है। तो उसके बाद आता है पासकोड, पासकोड को आपको नोट सेट रहने देना है। उसके बाद आता है सर्वर, सर्वर को आपको यहाँ पर लिखना है www.jio, जो कि जे कैपिटल होगा, jio.com, www.jio.com, उसको सेव कर देना। उसके बाद आता है MMSC, इसको नोट सेट रहने दें। उसके बाद आता है MMS प्रोक्सी, इसको भी नोट सेट रहने दें। उसके बाद आता है MMS पोर्ट, इसको भी नोट सेट रहने दें। उसके बाद आता है MCC और MNC, ये आपका एरिया कोड है, इससे छेड़छाड़ ना करें, इससे आपका इंटरनेट कनेक्शन और भी डिले हो सकता है, यानी धीरे हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसमें आपको लिखना है, इसमें आपको नोट सेट की जगह यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑथेंटिकेशन टाइप की जगह, यहाँ पर आपको करना है पेप और चैप, सबसे नीचे वाले में पेप और चैप, इसमें कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है APN टाइप, इसको आपको नोट सेट रहने दें। APN प्रोटोकॉल, ये आपका IPv4 हो सकता है या फिर IPv6 हो सकता है, तो आपको सबसे नीचे वाले में IPv4 IPv6 कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, देखिए यहाँ APN प्रोटोकॉल, यहाँ पर IPv4 या IPv6 हो सकता है, तो नीचे वाले में कर देना है। और उसके बाद आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसमें भी आपको IPv4 हो सकता है या फिर IPv6 हो सकता है, तो आपको सबसे नीचे वाले में क्लिक कर देना IPv4/IPv6 में। तो उसके बाद आता है बेयरर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये सेटिंग, तो इसको पूरा देखिए। तो इसमें आपको अनस्पेसिफाइड जो कि हुआ रहता है, तो इसको अनक्लिक करके LTE HSPA मतलब सारे में क्लिक करना है, सिर्फ एक को छोड़कर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वरना आप इसे नहीं समझ पाओगे। तो सारे में क्लिक करना है सिर्फ EVD/0, इसको देख सकते हैं EVDO और 0, जो कि देख सकते हो, तो बस उसको नहीं क्लिक करना है, बाकी सबको क्लिक करना है। अगर इतने सारे आप सपोर्ट नहीं करते हैं बेयरर, तो सिर्फ LTE को क्लिक करके और ओके का आ जाता है, तो ओके कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी फ़ोन्स में देखा है कि उसमें उतने सारे नहीं सपोर्ट करते। तो उसके बाद आता है MVNO टाइप, इसको नन रहने दें। उसके बाद ऊपर में जाके सेव कर दें, तो इससे आपका जो है इंटरनेट कनेक्शन बेहतर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो होगा वो काफ़ी अच्छा रहा होगा। सो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।